सर हमेशा बोलते थे कि प्राणायाम जरूर करा करो, इतना पॉजिटिव आता था कि सर हमेशा बोलते थे कि हमेशा मॉड्यूलर फंक्शन की तरह रहना चाहिए, मतलब रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके सर फंक्शन चैप्टर को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है ना, वो इम्पेटस से मैं सीख एक पर सौरभ सर से कि वो एक बुक खत्म कर दिए थे एक दिन में, हम 2000 क्वेश्चन क्यों नहीं लगा सकते हैं। ओके 85 रैंक पे प्रिंस, आपको भी बेटा कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन इमरान। चलिए एक और बच्चे से मिलते हैं, नाम है अमित कुमार जो कि झारखंड से हैं, और अमित कुमार का रैंक है 235, और अमित कुमार ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है, और अमित कुमार को कोई कंफ्यूजन नहीं था, सेकंड ईयर से ये पहले पेनड्राइव कोर्स से जुड़े, फिर लास्ट ईयर इन्होंने लाइव क्लास को ज्वाइन किया और 235 रैंक अचीव की फाइनल ईयर के साथ। तो सबसे पहले तो इस रैंक के लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। और मैं सभी लिसनर जो ये वीडियो सुन रहे हैं देख रहे होंगे, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करेंगे, या कई लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पता चल जाता है करना क्या, फिर भी वो स्टेप नहीं लेते। तो एक तो आपका ये सही समय पर स्टेप लेना, और उसके बाद आपने 2 साल अच्छी मेहनत की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं चाहूंगा कि आप उन सभी बच्चों को बताओ जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्लान तो कर लेते हैं पर कुछ एक्शन नहीं लेते, और आपने इस रैंक के साथ साथ कॉलेज को कैसे मैनेज किया। माय नेम इज अमित कुमार, आई एम फ्रॉम प्लामू झारखंड, आई अचीव ऑल इंडिया 235 रैंक न्यूसेंट 2020 एग्जामिनेशन। तो मैं पहले बता देना चाहूंगा कि मैं कैसे ज्वाइन किया इम्पेटस, तो मेरे भैया के एक फ्रेंड थे जिनका नाम गुलशन भैया था, वो इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो दशहरा की छुट्टी पर 2 दिन के लिए आए थे। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो वो बोले कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो मैं बोला कि रांची में हूँ, अभी बीएससी आईटी कर रहा हूँ, सेकेंड फर्स्ट ईयर था। तो वो बोले कि तुम इम्पेटस रूल के ऑनलाइन कोर्स मिलती है पेन ड्राइव कोर्स, तुम वहाँ से ज्वाइन कर लो। तो बोला कि ठीक है, तो बोले कि कितना प्राइस है, तो बोले कि 27 के प्राइस है, तुम ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और मेरे भाई मेरे मतलब पूरा भरोसा था कि मैं निकाल लूंगा अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं गुलशन भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मुझे सही डायरेक्शन दिए कि हाँ तुम कर सकते हो। और जो मैं इस रैंक के लिए जो मैं अपने भैया बड़े भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, वो क्योंकि मैं बड़े भैया के रूम में ही सोता था, क्योंकि मुझे आदत थी कि जब एक दो बजे मतलब कि जो 1-2 बजे रात तक पढ़ता था तो उसके बाद मुझे नींद नहीं खुली। तो मेरे भैया तो थे जो उठाते थे हमेशा कि नहीं पढ़ने बैठो, तुम्हें 7:30 बजे प्रतीक सर की 8 बजे क्लास रहती थी, तो 7:30 बजे तुमको तैयार होकर बैठ जाना है पढ़ने, क्योंकि इसलिए थैंक यू सो मच भैया जो आप मुझे इतना डेली मतलब कि भैया मेरे साथ ही सोते थे पढ़ने, वो भी पढ़ते थे साथ ही सोते थे, पर पहले उठ जाते थे और हमें उठाते थे कि तुमको 7:30 बजे तुम फ्रेश होकर तैयार हो जाओ क्योंकि तुमको पढ़ने बैठना, तो इसलिए थैंक यू भैया, मैं अपनी मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अमित जैसे आपको आपके को बताया किसी ने कि कोर्स से जुड़ जाओ एमपीटीएस के, फिर आप जुड़े, तो आपका एक रूटीन बताओ क्या था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई करनी है। यस सर। कॉलेज का एग्जाम भी देना है, सेमिस्टर था या ईयरली था आपका कॉलेज? सेमिस्टर। तो सेमिस्टर एग्जाम में तो और प्रेशर हो जाता है, हर मतलब पता ही नहीं चलता है, एग्जाम खत्म होता है सेमिस्टर का और अगला सेमिस्टर आने लगता है, रिजल्ट आता है, तो वो मैनेजमेंट कई बच्चों के साथ नहीं हो पाता, उसका क्या प्रॉपर मैनेजमेंट था ये जरूर बताओ। सबसे पहले तो मुझे कोविड का इतना फायदा मिला जो मैं सोच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे 3 सेमेस्टर ऑनलाइन हुए हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया क्योंकि ऑनलाइन में जानते हुए क्या होता है। तो बस क्या था कि मैं कुछ ज्यादा कॉलेज का तो पढ़ाई नहीं की, पर जो मतलब कि जो फर्स्ट उसमें तो ज्यादा मुझ करना नहीं पड़ा, और क्यों न्यूसेट पढ़ता रहा जो 12-15 घंटा घर में पढ़ाई की, क्योंकि 7:30 बजे मैं फ्रेश होके उठता था, उसके बाद जितना फॉर्मूला रहता था प्रतीक सर रूटीन बताया था कि क्या क्या करना है, जो ऑनलाइन जुड़ेंगे स्टूडेंट उसे मैं बता देना चाहूंगा जो प्रतीक सर बोलेंगे तुम वो करना, सरद सर बोलेंगे वो करना, वो सब हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7:30 बजे पहले मैं फ्रेश होकर नहा होकर बैठ जाता था पढ़ने, उसके बाद 1/2 घंटे फॉर्मूला लिखता था, जो मुझे आता था वो लिखता था फॉर्मूला, मतलब डेली मतलब फॉर्मूला लिखता था 365 दिन। उसके बाद क्या था कि 8 बजे प्रतीक सर क्लास होती थी 8 से 10, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट कर लेता था, उसके बाद क्या था कि सर बताया था कि हाँ क्लास में 10 से 1 सेशन होता है, उसके बाद 2 से 4:15 तक होता है, उसके बाद 4:30 से सर की हमारी क्लास होती थी, उसके बाद तुम रात भर पढ़ सकते हो। तो वही था हमारे साथ कि 10 से 1 बजे मैं 1:30 बजे तक कर लेता था, क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं जाना ही था, घर पे रहता था, कोविड के टाइम था तो क्या था कि खाना पीना तो कहीं मेस से खाना नहीं था, घर में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं 10 से 1:30 तक पूरा पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद 1/2 घंटे का ब्रेक लेता था,
उसमें 2 से 4:15 तक पढ़ाई कर रहा था, 1:15 के बाद जो हल्का ब्रेक लेके भी 4:30 से हमारी सर की क्लास रहती थी, 4:30 से 6, 6:15 तक सर क्लास रहती थी, उसके बाद मेरा 15 मिनट का ब्रेक रहता था, 6:30 से मैं फिर 9, 9:30 तक पढ़ाई कर रहा था, आधे घंटे की दिन, और उसके बाद मैं 1 बजे तक पढ़ाई करता ही कर रहा था, ये तो विदाउट डाउट नहीं है। फिर 6:30 बजे तक उठ के फिर आधा घंटा जो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मतलब प्राणायाम, मेरे सर हमेशा बोलते थे कि प्राणायाम जरूर करा करो, ये कपालभाति जो है सो जो मतलब प्राणायाम में आता है, तो प्राणायाम करता था, उसके बाद फिर जो था डेली रूटीन थी यही, मतलब कि इम्पेटस से जुड़ने का मतलब कि इतना पॉजिटिव आता था कि सर हमेशा बोलते थे कि हमेशा मॉड्यूलर फंक्शन की तरह रहना चाहिए, जो है कि तुम्हारे अंदर कितना भी नेगेटिविटी आए पर हमेशा पॉजिटिव बना देगा मॉड्यूलर फंक्शन। जो भी जूनियर स्टूडेंट है अगर वो सर के साथ जो फंक्शन चैप्टर है ना वो सर के साथ जो पढ़ेगा ना ऊपर रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके सर फंक्शन चैप्टर को पढ़ाते हैं, जो बहुत मजा आता है कि किस तरह लाइफ मैथमेटिक्स एक लाइफ है, क्यों नहीं कि, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स मेरे मैथ में 94th मार्क्स थे 12th में जैक बोर्ड से था, मेरे मैथ्स अच्छे थे, कैलकुलस ये था कि मैं सोल्व कर रहा था, मैं एक पेज में मुझे सोल्व करने में लग जाती थी, पर जब इम्पेटस से पहला और जुड़ा तो मैंने सोचा यार इतने एक एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी सोचा नहीं था कि एक पेज के क्वेश्चन में एक स्टेप में ऑप्शन से कर सकता हूँ, मतलब ये चीज तो कभी नहीं सोची थी, जो क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच है ना वो इम्पेटस से मैं सीखा, मुझे मैथ्स आती थी नो डाउट पर क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच जो है मैं इम्पेटस से ही सीखा। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि मैं जब एग्जाम देने गया एग्जाम हॉल में, तो यार इतना कंपटीशन नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि मेरे अगल बगल जो बैठे थे ना केवल केवल कीबोर्ड टाइप कर रहे थे, कुछ कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा था, और जो वहाँ अगल बगल जो गार्डिंग कर रही थी मैम बोल रही थी कि क्लासरूम में केवल तुम्हारा ही नीचे मुड़ी गड़ा है, तो कोई तो यहाँ लिख ही नहीं रहा क्योंकि मैम अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बनाना क्योंकि अच्छा चलो बनाओ ना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने 41 क्वेश्चन मैथ्स में किए थे, केवल मैंने मैं अपना माइंड में कर लिया था कि मुझे रीजनिंग नहीं आती और मैं 20 से ज्यादा करूंगा तो मेरे रॉन्ग हो जाएंगे, और मैं वही किया कि मैं 24 रीजनिंग किया और 3 रॉन्ग हुए 21 राइट हुए, पर मेरा सिलेक्शन केवल मैथ की वजह से हुआ क्योंकि मैंने 41 मैथ में अटेम्प्ट किए थे और मैं 37 करेक्ट हुए, और जो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो जानते हो निमसेट की गलती कारण हुए, हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें नहीं ये सच बोल रहा हूँ, निमसेट की गलती, वो हमारे इतनी अच्छे और ऊपर रैंक चल जाते 200 के ऊपर चल जाते रैंक, पर क्या था कि 235 में आके वो निमसेट के गलत गलती के कारण हुई है। तो वही कि मैं जब 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैं मतलब कि तब मेरे सेटिस्फेक्शन था कि हाँ हो जाएगा कहीं नहीं कोई कॉलेज मिल जाएगा, तब मैं जब कल जब जो था ये बाहर निकला तो सब सभी के चेहरे पर इतना उदास था ना, तो मुझे लगा कि ले पेपर पेपर क्या हुआ पेपर क्या गया? कुछ ऐसा आ गया था कि ऐसा सब उदास है क्या बात है, तो कि कोई किसी से पूछ रहा था तो सब बोल रहा है कि नहीं भाई 28 किए हैं 29 किए हैं 25 किए हैं, तो मैं फिर लगा कि लो मैं क्वेश्चन सब गलत बना के आ गया क्योंकि 41 कोई सुन ही नहीं रहे कि 35 के ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगे सब मैं गलत करके आ गया वहां पर। तो मेरे जीजू को उसके बाद तुरंत तुरंत मतलब कि एग्जाम दिया, जीजू के कॉल आया, जीजू बोले कि तुम कितना अटेम्प्ट किया, तो मैं बोले कि मैं जिया जी मेरे पेपर बिगड़े क्योंकि सभी के सुन रहे 20, 20, 25, 30 के ऊपर जा ही नहीं, मेरा रांची सेंटर था वहाँ पे कोई ऐसा कोचिंग नहीं थी, कोचिंग थी जो नाम नहीं लेना चाहूँगा पर वो कोचिंग से सबसे सबसे फालतू कोचिंग थी, मैंने वहाँ पैसा मतलब फी पे करने के पहले मेरे गुलशन भैया से बात, फी पे करने जा रहा था उसके जस्ट 2 घंटे पहले गुलशन भैया से बात हुई थी, वो बोले कि फी मत पे करना हम वहाँ 10,000 दे चुके हैं और 30,000 अभी मांग रहे हैं तो कहे कि ठीक है भैया जो आप बोलेंगे सो ही करेंगे, और भैया के मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और जो है आज उन्हीं की वजह से है। तो फिर जो मैं जीजू को कॉल आया तो बोले कि नहीं जी मेरा पेपर बिगड़ गया है क्योंकि सब बोल रहे हैं 28, 29 क्वेश्चन किए हैं तो मेरा 41 कैसे हो सकता है, तो मेरा पेपर बिगड़ गया, मैं मुझे लगता है फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। तो जीजू बोले कि नहीं तुम दिन रात पढ़ते तो कैसे तुम्हारा पेपर बिगड़ेगा, नहीं अच्छा ही गया होगा सही बनाया होगा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की आने दो पहले तो ना पता चलेगा कि अब देखते हैं जो जो होगा से। तो फिर देखा तो मेरे 37 करेक्ट थे और 37 करेक्ट थे और 4 रॉन्ग थे, क्या कि चलो यार अच्छा जो उससे मेरे 444 मार्क्स मैथ से आ गए थे और इधर टोटल मिला के 575 अराउंड 1000 में से आए थे, उसके बाद जो
पेपर जो कैंसिल उसमें क्वेश्चन हो गया मेरे 554 मार्क्स से जो 952 में से, तो उसके बाद मेरे 235 रैंक का जो यही सरस सर की वजह से आया। प्रतीक सर जो हमेशा बोलते थे कि तुम, प्रतीक सर हमेशा बोलते थे कि निमसेट प्रिपरेशन है तुम ऐसा करो कि तुम्हारी जिंदगी भर याद रहे, तो मैंने वही किया कि ये स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन लगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन लगा, उसके बाद 200 क्वेश्चन। मैंने एक दिन ऐसा कि मैं लगातार 3 दिन में 2000 क्वेश्चन लगाया था एक दिन में, क्योंकि था कि हाँ एक दिन याद रहेगा ना कि हम ऐसा प्रिपरेशन किए कि हाँ निमसेट में कि हाँ 2000 क्वेश्चन एक दिन में लगाए थे। एक पर सौरभ सर थे कि वो एक बुक खत्म कर दिए थे एक दिन में, हम 2000 क्वेश्चन क्यों नहीं लगा सकते हैं, यही था। सो थैंक यू प्रतीक सर जो मुझे 50 क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन ले जाने के लिए, थैंक यू सरद सर जो मुझे इतना क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच बताने के लिए, सो थैंक यू सर। थैंक यू अमित। और देखिए अमित ने अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीजें बताई, और देखिए एक सक्सेस आदमी को कहां पहुंचा देती है, और इसने समय रहते हुए मेहनत की, मतलब एक दिन में 2000 क्वेश्चन भी किए, और यही एक चीज है। और जैसा भी आपने बोला ना, कई लोग सोचते हैं हम सेल्फ स्टडी करते हैं, करते हैं, पर कई लोग सेल्फ स्टडी में सीरियस नहीं हो पाते। हमारे फ्रेंड्स मतलब कि 10-12 कर रहे थे, पर एक का जो 740 रैंक है वो इम्पेटस के मैजिकल से करके वो लाया, कहा कि सर को बोलना थैंक्स जरूर बोल देना मेरे लिए। क्या नाम है उसके बच्चे का? इमरान नाम है। ओके इमरान, एक 85 रैंक है और प्रिंस को कांग्रेचुलेशन इमरान एंड प्रिंस जो बिहार का लड़का है। ओके 85 रैंक है उसका। ओके 85 रैंक पे प्रिंस, आपको भी बेटा कांग्रेचुलेशन। देखिए क्या होता है, चाहे इम्पिटस गुरुकुल, यही एक सबसे बड़ी इम्पिटस गुरुकुल की सफलता है कि बच्चा चाहे ऑनलाइन से जुड़े, चाहे लाइव से जुड़े, इवन वो यूट्यूब के मैजिकल से भी जुड़े तो भी वो परफॉर्म कर सकता, पर जरूरत होती है रेगुलरिटी की। जैसे आपने बोला आप एग्जाम देने गए, कई बच्चे खाली बैठे थे, क्योंकि अगर कोई केवल भर देगा फॉर्म तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो वो आपने एक रैंक अचीव की, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छी रैंक भी है आपकी। अब ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ो, अब कॉलेज में भी ऐसे ही परफॉर्म करना, अभी तो ये स्टार्ट है। और एक सक्सेस इंटायर लाइफ को चेंज कर देती है। अब आपकी लाइफ अपनी देखना कैसे चेंज होती हुई दिखेगी। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।